आज फिल्म का लास्ट डे नहीं है, आज इसका आगाज है, आज इसका वर्ल्ड प्रीमियर है, आज इसकी शुरुआत है। This film is potentially a world record breaking film. It's been released in three formats simultaneously on the very day one, which is unprecedented. जहां हम चुके कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज किया सिनेमा अभी भी इंक्लूसिव नहीं है। हम थिएटर में मैंने नहीं देखा कि ब्लाइंड लोग कभी जाके बहुत वो स्पेशल शो हो जाता है, उनके लिए स्पेशल शो आयोजित किया जाता है। कोई ऐसी फिल्म नहीं आती जिसको सब लोग एक मंच में इक्वल ही जाके देख सकें। और आज शो एक सुबह हमने आयोजन किया जिसमें जो लोग बिल्कुल नहीं देख सकते थे वो भी हाउसफुल था, उसके बाद जो लोग सुन नहीं सकते थे उनका भी हाउसफुल था। और आज मैंने अपनी आंखों से हेयरिंग इम्पेयर्ड जो हमारी टीम आई थी, जो पूरे दर्शक आए थे, मैंने पहली बार उन्हें नेशनल एंथम गाते हुए देखा। आई कैन बिलीव माई आईज। एंड जो हमने इंटरप्रिटेशन की है, जो हमारे डेफ ऑडियंस है वहाँ पे, हमारे आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ मैं बोलने वाला हूँ, वो सारे डेफ हैं, फिर भी उनके एक्सप्रेशन आपने देखोगे कितने बढ़िया एक्सप्रेशन थे। कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी डायरेक्टर सर विद हैंड फोल्डिंग, थैंक यू सो मच। मान आपने देखा कई फिल्मों में ब्लाइंड्स को क्या दिखाया जाता है, सबको एक जवाब देना बहुत जरूरी था यार कि हम लोग एक मजाक के पात्र नहीं है, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं रंगमंच तो हैगा ते जिहड़ियां चीज़ां सी रंगमंच राही नुक्कड़ नाटकां राही समाज दीआं समस्यां नूं पेश करदे आ ते उहनां नूं सॉल्व करन दा तरीका दसदे आ, ते उही ओजस्वी सर ने फिल्म दे माध्यम राही एक समस्या नूं उजागर कीता है। ते मैनू यह खुशी है कि इस फिल्म का मैं पार्ट बनया। एक शर्मा जी साढ़े बीच बैठे ने जिन्होंने सानू रंगमंच दीआं बरीकियां सिखाइयां, एक शर्मा जी साढ़े उत्ते ने जिन्होंने रंगमंच जो मैं सीखा उन्हें थोड़े सामने लियाने की कोशिश की थी। और हमने भी यही सीखा कि आखिर में बात नज़र की नहीं नज़रिए की ही है, थोड़ा अपने नज़रिया खोले तुम्हारी ज़िंदगी और कितनी खूबसूरत बन सकती है। I convey my heartiest congratulations to Ojaswi Sharma ji and all entire team of this movie. Rab di Awaz. Iska nirdeshan Rashtriya Puraskar Vijeta film nirmata Ojaswi Sharma ne kiya hai. Visionary director Ojaswi Sharma. Let's have a round of applause for Ojaswi Sharma. Ojaswi. Ojaswi Sharma, who is the force, the thought, the heart behind this film, a man who's already a Rajat Kamal National Awardee. He's a complete director, frankly speaking. Iske sath kaam karne ka jo maza hai, that is really lovely. सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, किस्ते को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी हैं, जो अपनी कला को आगे ला सकते हैं उन्हें आगे लाते रहें। तो जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ये कोशिश थी कि आपके लिए हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन में बनवा सके मूवी, तो वो हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई है, वह आपकी जिम्मेवारी है। उसमें तीन प्रिंट्स आपको शेयर होंगे जो रिलीज हुए हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन विद इंडियन साइन लैंग्वेज और एक जो जर्नल प्रिंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन पे जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही यूट्यूब की एल्गोरिथम को बताएंगे कि किनके लिए वो मूवी बनी है और कैसे हम इसको आगे लेके जा सके। आपके दिलों में ये जो फिल्म है छप जानी चाहिए, इसका मैसेज छप जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तो छाप ही दूंगा सब कुछ। मुझे ये लगता है कि सोसाइटी में जो है सेंसिटाइजेशन डिसेबिलिटी को लेके है उसको सेंसिटाइज करने में पार्ट प्ले करेगी ये मूवी। और इन्होंने नॉट ओनली विजिबल बट इनविजिबल डिसेबिलिटी को उसके टॉपिक को भी छुआ है। जिगरा चाहिए, मुझे लगता है कि वी आर ऑल प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी
एंड यस ये जो है ये एक माइलस्टोन है इस तरह का सोसाइटी में आपने ये किया है। अर्जुन करण का दोस्त, मैं इधर बैठा था सबसे सेकंड नंबर की सीट पर, तो मैं टर्न करके सबके रिएक्शंस देख रहा था हर सीन पर, एंड दोज वर प्राइसलेस रिएक्शन। सो आई मस्ट से ये जो काम ओजस्वी ने किया है ये प्राइसलेस है फॉर ऑल ऑफ अस। और जो ये हमने यहाँ पर देखा है, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ मूवी इन माय लाइफ। ओजस्वी ने बहुत सारे सोशल कॉजेस को यू नो टच किया है। मैं कभी भी डिसेबल नहीं कहूँगी, स्पेशली एबल लोगों की बात करी है। सोशल कॉज लाइक मेंटल हेल्थ, सो आई थिंक ऑल सच कॉजेस दैट हैज बीन पोर्ट्रेड इन दिस मूवी, ओनली अ पर्सन लाइक ओजस्वी कैन डू दैट, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सौ दिन अपने पूरे करेगी, फिर कुछ महीने पूरे करेगी, तो ये एक बच्चे की तरह बढ़ती जाएगी और ये फिल्म तब तक लोगों तक पहुंचती रहेगी जब तक हम सब एक ही दृष्टि से अपने समाज को देखना ना शुरू कर दें। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द टीम ऑफ रब द आवाज। Outstanding direction, performances which touch the cause of our heart. सबसे पहले कोशिश की कि फिल्म को एक्सेसिबल बनाया जाए एजुकेशन के लिए, हर लाइसेंस से इस फिल्म को विश्व भर में पहुंचाया जाए, तो ये फिल्म हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। कोई भी इस फिल्म को देखने के लिए टिकट नहीं देगा, अपने समय पे देखेगा, चाहे रोक रोक के देखेगा तो हिस्से में देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप बात करें, इतनी तेजी से ये बढ़ेगी, मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म के बारे में ज़रूर कुछ लिखें। इस फिल्म की टिकट यही है, इस फिल्म की वर्थ यही है, अगर इस फिल्म के बारे में बात होगी तभी ये फिल्म बढ़ेगी। पर ये सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, ये हम सब के करने से होगा। जय हिंद। कि अगर हमें ये जितना जो जबरदस्त दर्द है वो पहले पता होता तो हम लोग जो वो फोन देख के इतना हैरान हो रहे थे और इतना कुछ बोल रहे, हम बड़े दिल से और ज्यादा होते, क्योंकि आज हमें ये फिल्म छू गई, आज हमें ये आवाज छू गई।